हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हो टेकमेंटिक चैनल। तो गाइस, Xiaomi ने अपने 2022 की बेस्ट बजट स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है, जो कि पोको X3 प्रो की सक्सेसर है, जिसका नाम है पोको X4। जी हाँ गाइस, 28 फरवरी को Xiaomi ने पोको X4 को ग्लोबली रिलीज कर दिया है। तो गाइस, पोको X3 की बात करें तो वो 2021 की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फोन थी, पर इस साल भी Xiaomi अपने पोको X4 प्रो से वही धमाल मचाने वाली है। पर इंडिया में Xiaomi पोको X4 प्रो को एक मेजर चेंज के साथ लॉन्च करने वाला है। तो पोको X4 में हमें 5000 की बैटरी और 5G क्वालकॉम चिपसेट देखने को मिलेगा, बट फोन के अंदर और भी बहुत कुछ है बताने को, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पोको X4 प्रो इंडियन वेरिएंट की फुल कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन, जो इस फोन को खास बनाती है, और हम ये भी देखेंगे कि इंडियन वेरिएंट में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, और साथ ही हम बात करेंगे इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में भी। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं इसके चिपसेट, CPU और GPU को। तो Xiaomi पोको X4 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 लगी होगी, जो कि एक मिड रेंज परफॉर्मिंग चिपसेट है। इसके पीक डाउनलोड स्पीड 2.5 GBPS तक है और पीक अपलोड स्पीड 1.5 GBPS तक है, और इस फोन में बहुत ही फास्ट CPU और GPU कोर्स भी दिया गया है। इसकी CPU 2.2 GHz तक की क्लॉक स्पीड के साथ आती है, जो कि Adreno 619 GPU के साथ पेयर्ड है, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मिंग चिपसेट है। इसमें गुड परफॉर्मिंग AI चिप, NPU और ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए भी अच्छी ISP लगाई गई है, और इस फोन में हमें NFC सपोर्ट भी मिलती है। कैमरा की बात करें तो गाइस, ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप और सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। रेयर साइड की तरफ 64 MP की मेन कैमरा लगाई गई है, हालांकि ग्लोबल वर्जन में हमें 108 MP की मेन कैमरा देखने को मिलता है। इंडियन वेरिएंट में पोको X4 में बस यही एक डाउनग्रेड किया गया है, पर साथ ही हमें 8 MP की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और 2 MP की मैक्रो कैमरा भी देखने को मिलेगा। और सामने की तरफ हमें सेंटर में एक पंच होल 16 MP सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट परफॉर्मिंग क्वालिटी देती है, और कैमरा फीचर्स में LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा और फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस जैसे फीचर्स देखने को मिलेगा। पर इस स्मार्टफोन में ऑप्टिकल जूम, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की कोई भी फीचर्स का सपोर्ट नहीं दिया गया है, और दोनों ही फ्रंट और बैक कैमरा से हम बस 1080p तक की ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसका मतलब हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अब डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Xiaomi पोको X4 पे हमें 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 1080x2460 पिक्सल की एक AMOLED पैनल होगी, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट और HDR10 के साथ आएगी, और इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 nits की होगी, जो कि डायरेक्ट सनलाइट में भी हमें अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगी। डिजाइन की बात करें तो लास्ट ईयर की पोको X3 प्रो से थोड़ी डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलता है। पीछे की तरफ हमें रेक्टेंगल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, बट सामने की तरफ सिमिलर सेंटर पंच होल देखने को मिलता है। पर इस साल की पोको X4 प्रो में थोड़ी सी फ्लैट डिस्प्ले होगी और IP53 रेटेड के साथ आएगी, जो कि डस्ट और स्प्लैश प्रूफ होगी। पर ध्यान रखिएगा, पोको X4 प्रो वाटर प्रूफ नहीं है, आप इस फोन को पानी में स्विमिंग के लिए नहीं ले जा पाओगे। हाँ, लेकिन डस्ट और ऊपर से पानी डालने पर यह फोन सरवाइव कर जाएगा, बट पानी के अंदर डालने पर यह फोन को सीरियस डैमेज हो सकता है। तो अब रैम, स्टोरेज और बैटरी की बात करते हैं। तो पोको X4 प्रो में हमें 2 डिफरेंट रैम और स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा, 6GB प्लस 128GB और 8GB और 256GB की स्टोरेज देखने को मिलेगा। और अच्छी ऑप्शन ये है कि आप अलग से इस फोन में माइक्रो SD कार्ड डालकर स्टोरेज बढ़ा भी पाओगे। और पावर के लिए पोको X4 प्रो में 5000mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि 65W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। तो 0 से 100% होने में लगभग 41 मिनट्स की समय लगती है। और पोको हमें 3 कलर वेरिएंट में मिलेगा, लेजर ब्लैक, लेजर ब्लू और पोको येल्लो, जो कि काफ़ी अच्छी लुक्स प्रोवाइड करती है। तो अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और Xiaomi ने प्रोमिस किया है कि पोको X4 पे 3 साल तक की सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड करेगा। अदर फीचर्स में हमें पोको X3 प्रो की तरह ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और ऊपर की तरफ एक इंफ्रारेड पोर्ट भी मिलेगा, और नीचे की तरफ इस फोन पे
3.5mm जैक भी मिलेगा और NFC और FM रेडियो के सपोर्ट भी दिया गया है। तो फाइनली अब प्राइस की बात करें तो इंडिया में पोको X4 Pro की स्टार्टिंग प्राइस लगभग 18,000 रुपीस होगी और टॉप वेरियंट के लिए लगभग 22,000 रुपीस तक पे करना होगा। हालांकि अभी तक ऑफिशियल प्राइस डिटेल्स रिवील नहीं किया गया है, ये बस एक्सपेक्टेड प्राइस है। पर यह कंफर्म हो गया है कि इंडिया में ये फ़ोन 22 मार्च को लॉन्च किया जाएगा और आप इस स्मार्टफोन को अमेजोन से परचेज कर पाओगे और जल्द ही ऑफलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हो Xiaomi Poco X4 Pro के लिए? अगर आप एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।